फ्रेंड्स, हम लोग जा रहे हैं रॉयल बोटैनिकल गार्डन मेलबर्न कुछ ऐसा देखने के लिए जो कि आज तक हम लोगों ने एक्सपीरियंस नहीं किया था, और हम लोगों ने उसकी वीडियोस देखी थी। हम लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे वहाँ जाने के लिए। चलिए आप लोगों भी लेके चलते हैं, और बेस्ट एक्सपीरियंस रहा था हमारा। पहुंच गए हम सपनों के शहर। चलो, रंगी रंगी फिरे जिंदगी में जीवन यहाँ पे सवार जाएगा, रंगीन हो रहा है। ओके, वो भी देख लो, वो भी कलरफुल है। हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब बहुत ज़्यादा बढ़िया होंगे। और आज हम लोग आ गए हैं, यहाँ पे घर के पास ही है रॉयल बोटानिकल गार्डन। यहाँ पे कुछ लाइट्स के शो चल रहा है, तो लाइटिंग्स का कुछ है वो देखने आए। चलिए आपको दिखाते हैं, हम लोग ज़्यादा नहीं देखेंगे, लाइटिंग आपको ज़्यादा दिखाएंगे। सो यहाँ पे स्टार्टिंग में काफ़ी कलरफुल लग रहा है। दैट इज द एंट्री। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को लाइट्स पसंद है और आपको नेचर पसंद है, तो ये जो एक्सपीरियंस हम लोगों ने किया, ये बेस्ट मतलब परफेक्ट एक्सपीरियंस हो सकता है आप लोगों के लिए। मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया था। ये काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेशन भी था इस एक्सपीरियंस का, मतलब 2-3 घंटे हम लोग को वॉक करना था गार्डन में, वो भी रात को। इट वॉज़ वेरी गुड। हम लोगों ने एंट्री ले ली है। ओके, सो हियर दे विल स्कैन द टिकट्स जो कि मेरे फोन में। दिस इज द एंट्री। ये तो यहाँ की अबोरिजिनल टाइप का। ओह नाइस। ये सारे वही आ गए। हारु पुत। हारु, आप कहाँ आ गए हो? फ्रेंड्स, इतना अच्छा लग रहा था कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। ऐसा लग रहा था कि किसी मूवी के सेट के अंदर आप एंटर कर रहे हो, या किसी मूवी के अंदर जैसे थिएटर में फीलिंग आती है ना। एक तो रात थी और इस टाइप की लाइट्स थी, ऐसा लग रहा था थिएटर में आप एंटर कर रहे हो, या आई कांट एक्सप्लेन कैसा लग रहा था। और बहुत ही अच्छा लग रहा था रात को ये। डोंट गो अवे। Walk in the park. बोल रहा अच्छा लगने दो मुझे। मैंने कितने करेक्ट डे बुक किया ना, बुक। हाँ, गर्मी भी नहीं है, ठंड नहीं है, और गर्मी तो है, ठंड नहीं है बेस्ट है। फ्रेंड्स, यहाँ पे आरू डांस कर रहा है, म्यूज़िक काफ़ी ज़्यादा अच्छा बज रहा था वहाँ पे, और लाइट्स इतने ज़्यादा सुंदर लग रहे थे। मतलब ये तो गार्डन ही बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, और यहाँ पे मिलियंस ऑफ लाइट्स लगे हुए थे थ्रू आउट द गार्डन। तो ये एक मतलब मैसमराइजिंग एक्सपीरियंस था, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। आई कांट एक्सप्लेन इन वर्ड्स, पता नहीं ये कैमरे पे इतना अच्छा लग रहा है कि नहीं, पर ये देखने में बहुत ही आईज को बहुत ही अच्छा लग रहा था और सूदिंग था। क्या बोल रहे हो? फ्रेंड्स, एक्चुअली जो ये लाइटिंग्स लगे हुए हैं, ये दिन में भी लगे होते हैं और दिन में भी ये जल रहे होते हैं, बट रात को ये ज़्यादा ही सुंदर लगते हैं। दिन में भी ये सुंदर लगते होते हैं, बट हम लोगों ने रात का लिया था, थोड़ा सा शाम का भी था जब थोड़ा सा कम रात होती है, मतलब उस टाइम का भी स्लॉट अवेलेबल था, पर मैंने प्रॉपर रात का लिया था। और हम लोग डिनर वगैरह करके आए थे ताकि आराम से इंजॉय कर पाएँ। मतलब दिन में भी अच्छा लगता, पर रात को तो कुछ ज़्यादा ही सुंदर लग रहा था। और ये जो लाइटिंग्स का मज़ा है, मुझे लगता है रात को बेस्ट एक्सपीरियंस हम लोगों को मिला है, बहुत ही सुंदर था। यहाँ पे खाने के भी बीच बीच में पानी पीने के खाने के ही सब है, लेकिन हम तो अपनी चीज़ें लेकर आए हैं, पता नहीं। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है बीच बीच में खाने की भी चीज़ें बनी हुई थी, पर हम लोग खा कर आए थे घर से, और थोड़ा बहुत सैंडविचेस मैंने रख लिए थे, बिकॉज यू नो आई एम अ वेजिटेरियन एंड यू नेवर नो कि कैसा खाना मिलेगा कहाँ पर। घेरे में तो पता भी चल रहा कहाँ चल रहे हैं, धुआं धुआं। ये देखो ट्रीज से बने हुए हैं, ये सबसे अच्छा वो लेजर से ये सब बन रहा है क्या ऊपर, कैसा लग रहा है?
ठीक है, अच्छा लग रहा है ना। क्या हो रहा है, क्या हो रहा है तुमको? बड़ी परेशानी, एक सेकंड नहीं रुकने दे रहा। हेलो बनी, क्या हो रहा है आपको? हेलो बनी, क्या हो रहा है? फ्रेंड्स, इस गार्डन में आके हम लोगों को लग रहा था कि हम एक फैंटेसी वर्ल्ड में एंटर कर लिए। एक तो लाइट्स इतने ज़्यादा सुंदर थे और ऊपर से ये जो गार्डन है, ये वैसे भी हम लोग दिन में भी आते हैं, बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही ज़्यादा बड़ा भी है, तो मतलब परफेक्ट था। और फैमिली के लिए तो इस टाइप के वॉक मतलब बेस्ट हो, कुछ करने के लिए भी मिल रहा है, एक एक्टिविटी भी करने के लिए, क्योंकि आपको रास्ते ढूंढने पड़ रहे हैं, तो ये बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। लेक पे भी अच्छा खासा लगा। आरू, ये है लेक। कम से कम ये देखो, बनी जा रहा है। ऐसे लग रहा है कि मोमबत्ती ऐसे लगा रहे हैं। हाँ, बहुत सारे कलर्स हैं ना, तो अच्छा लग रहा है। आरुख को तो यहाँ पे इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था कि वो भागे जा रहा था, पर हम लोग उसको छोड़ नहीं पा रहे थे क्योंकि वो रात का समय था और कहीं पे भी अगर वो घूम जाएगा तो बहुत डर की बात थी। मतलब उस टाइम पे तो हमें डर लग रहा था क्योंकि वो हाथ छुड़वा छुड़वा के लाइट देखने के लिए कहीं कहीं भाग रहा था। आरू, आप बैठ जाओ, उसको बैठ जाओ, आप बैठ जाओ, बैठे बैठ जाओ, वहाँ पे आपके आईज में लग रही है। ये पर्टिकुलर लाइट्स हैं जो आपको एकदम स्काई वाला फील दे रही थी कि जैसे आप स्काई में ही पहुंच गए और स्टार्स बहुत फास्ट फास्ट भाग रहे हैं। और ऐसे से करके ये डिफरेंट डिफरेंट मतलब म्यूजिक के साथ इसका चेंज हो रहा था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। यहाँ पे भी मतलब मैं क्या ही बताऊँ, सारी जितने भी इंस्टॉलेशंस हो रखे थे, 2 घंटे का 2.5 घंटे का ये पूरा वॉक था, और पूरा मतलब सभी जितना हम देखते जा रहे थे उतना उतना अच्छा लग रहा था। फ्रेंड्स, यहाँ पे काफ़ी सारे लोग थे जो सीट्स पे भी मतलब यहाँ पे जो बेंचेस लगी रहती हैं गार्डन में, वहाँ पे भी बैठ के रिलैक्स कर रहे थे, पर हम लोग तो इतने ज़्यादा, मैं तो देख के इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था कि मैं तो रुकी ही नहीं, मैं बस देखे जा रही थी और बस वॉक की जा रही थी, कभी किसी लाइट के पास जाके और कभी किसी। और हम लोगों ने ऑलमोस्ट इतने 40 मिनट से भी ज़्यादा की मेरे पास इसकी फुटेज है, और बहुत ज़्यादा मतलब हम लोगों ने वीडियो यहाँ पे बनाए थे, पर ऑब्वियसली मैं सारा नहीं डाल सकती हूँ यहाँ पे। फ्रेंड्स, जैसे मैंने बताया कि काफ़ी लोग यहाँ पे रिलैक्स भी कर रहे थे, म्यूज़िक सुन रहे थे और साइड में बेंचेस पे बैठे हुए थे, और बीच बीच में ना यहाँ पे एग्जिट्स भी बने हुए थे कि आप बीच से भी एग्जिट ले सकते हो और एंड में पूरा इसका वॉक कर सकते हो। तो हम लोगों ने तो ये पूरा वॉक कंप्लीट किया था, हम लोग वैसे भी बहुत एक्साइटेड थे ये सब देखने के लिए, तो हम लोग बिल्कुल भी रिलैक्स नहीं किया, हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया इनफैक्ट। और हम लोगों को थोड़ा वॉक वगैरह करने में मज़ा भी आता है तो पार्क्स वगैरह में, इसलिए हम लोगों ने फुल फिनिश किया। ये है ब्यूटीफुल लेक, म्यूजिक बहुत ज़्यादा तेज चल रहा है यहाँ पे, कलर्स का काफ़ी अच्छा मतलब कलर चेंज हो जा रहे हैं, तो अच्छा लग रहा है ना। मतलब आइस के लिए ये सारा मुझे पता नहीं कि कैमरे में कैमरा इज नॉट डूइंग जस्टिस एट ऑल, बिकॉज एक तो अंधेरा है तो वो फोटोज़ इतनी अच्छी आ भी नहीं रही है वीडियो, और पर देखने देखने में अच्छा लग रहा है बहुत ज़्यादा, है ना, अपने आईज से बहुत अच्छा है। लाइट शो, ड्रोन शो, और ये हमारे साथ बनी भी चल रहा है। उधर चंदा मामा भी दिख रहे हैं, बिल्डिंग्स हमारी साउथ बैंक की दिख रही हैं। ये लेक, हालांकि ये आरू के सोने का टाइम हो जाता है, बट अभी भी वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड था। और ये है हम लोग, खूब एंजॉय कर रहा था, सारी नींद इन सब भागे थी उसकी। हाँ, फ्रेंड्स, डेफिनेटली ये जो गार्डन, जो ये एक्सपीरियंस था, हम लोग को एक फेरी टेल वर्ल्ड में लेके चला गया था, और बहुत ही सुंदर मतलब लाइट्स के साथ म्यूजिक, और उनके जो बार बार चेंज हो रहा था इंस्टॉलेशंस, तो ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर एक्सपीरियंस था, और काफ़ी बड़ा मतलब काफ़ी बड़ा भी था, ये चलता ही जा रहा था, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था मतलब।
हम लोग पहुंचे ऑलमोस्ट हाफ वे और हमें यहाँ पे बताया गया था कि आधा हो चुका है रास्ता हमारा कंप्लीट। तो हम लोगों ने सोचा कि हम लोग यहीं पे बैठ के हमारे जो सैंडविचेस हम लोग लेकर आए हैं हम लोग खा लेते हैं। मैं वेज सैंडविचेस बना के लेकर आई थी, हालांकि यहाँ पे मिल रहा था खाना, बट वही है कि नॉन वेज ज़्यादा मिलता है यहाँ पे, और मैं इसलिए हमेशा अपना खाना वेज जो है वो थोड़ा सा टेस्ट वगैरह का उसका प्रॉब्लम रहता है, तो मैं हमेशा अपना खाना जो है लेके चलती हूँ। सैंडविच पार्क में बैठ के, कलरफुल पार्क में बैठ के। हालांकि हम लोग डिनर करके आए थे, पर आप लोगों को देख के लगेगा नहीं कि हम लोग डिनर करके आए हैं। हम लोग को चलते चलते मुझे लगा था कि हम लोगों को भूख लग जाएगी, जबकि मुझे पता चला था कि इतना लंबा वॉक है, तो इसलिए मैं सैंडविचेस रखा था और वो काम भी आ गया अच्छे खासे। डैडी अ शिफ या दे रहा हूं फ्रेंड्स। ये आगे दूसरे इंस्टॉलेशन की, दूसरी लाइटिंग्स की बारी, और ये एकदम अलग ही ऊपर था, पूरा फ्लावर्स ऊपर लगे हुए थे, जैसे कि हम लोगों ने पहले देखा फ्लावर्स जो लंबे लंबे फ्लावर्स खड़े हुए हैं अभी यहाँ पे ऊपर बने हुए थे। तो हर जो है थोड़े थोड़े मोड़ के बाद जो दूसरा हमें लाइटिंग्स देखने के लिए मिलती थी, हालांकि पूरे रास्ते में ही थी, पर जो एक अलग टाइप का जैसे वो रखा था वो एक दूसरे से अलग होता था और बहुत ही अच्छा होता था। और म्यूज़िक भी बहुत ही ज़्यादा एप्रोप्रिएट लगा रखा था, मतलब म्यूज़िक के हिसाब से लाइट्स, रेड लाइट और म्यूज़िक के हिसाब से मतलब लाइट्स चेंज हो रही थी, उनके कलर्स चेंज हो रहे थे, जो है लाइट्स को और भी ज़्यादा सुंदर बना रहा था, इसको एनहेंस कर रहा था म्यूज़िक जो है। जा रहे हैं अभी, यहाँ पे ऊपर फ्लावर्स, काफी सारे फ्लावर्स लटके हुए थे, बस रोड पे डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की लाइट्स हैं पूरे रास्ते में, व्हिच इज लुकिंग रियली नाइस, दिस इज लाइक अ रेनबो और अ रेनबो। फ्रेंड्स आप लोग देख के समझिए क्योंकि कि आरू से भी ज्यादा मैं एक्साइटमेंट, मेरी एक्साइटमेंट ज्यादा हो रखी थी ये सब देख के। तो आप जब ऐसी चीज़ें देखते हैं ना तो आप खुद भी बच्चे बन जाते हैं, तो ऐसे ही मेरे साथ हो रहा था। हालांकि विनय ने तो, विनय को भी अच्छा लग रहा था पर वो इतना एक्सप्रेस नहीं करते हैं, तो वो नहीं कर रहे थे, पर मैं तो बहुत ज़्यादा, मतलब आरू से भी ज़्यादा मैं एक्सप्रेस कर रही थी। ये वाला जो इंस्टॉलेशन है लाइट का, ये मुझे बेस्ट लगा था क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा ही लाइट थी और बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि दिवाली लाइट्स ना मल्टीप्लाई टू 10 हो गया और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था, इतनी ज़्यादा मतलब रोशनी थी इस जगह पे, तो एकदम दिवाली वाली फीलिंग आ रही थी मुझे। देखने में भी ये बहुत ज़्यादा ज़्यादा, क्योंकि बाकी जगह थोड़ा अंधेरापन भी था, यहाँ पे एकदम से काफ़ी ज़्यादा रोशनी देखने के लिए मिली थी, अच्छा लग रहा था, डिफरेंट लग रहा था ये। एक बहुत ही और एक्साइटिंग जो है लाइटिंग का जो इंस्टॉलेशन है वो बाकी था यहाँ पर, मैंने पहले ही बोल दिया था, मुझे पता नहीं था, मुझे लगा कि काफी हम लोगों ने वॉक कर लिया यहाँ पे। फ्रेंड्स आप लोग भी मुझे बताना कि आपको बेस्ट लाइटिंग इसमें से कौन सी लगी, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और मैंने तो खैर आपको बता ही दिया कि मेरे को कौन सी अच्छी लगी है, मैंने आप लोगों को भी घर बैठे बैठे वर्चुअली एक तरीके से पूरा लाइटस्केप, ये पूरा गार्डन का पूरा लाइट शो दिखा दिया है। तो आप मुझे बताना कि आपको बेस्ट लाइट कौन सी लगी है, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था हमारा। आई होप आप लोगों को भी ये वीडियो देख के अच्छी लगी होगी, उतनी सुंदर लगी होगी जितना हमें मज़ा आया था। ओ अच्छा, वहाँ पे लेजर्स का कुछ हो रहा है, लेजर गार्डन।
बहुत सारे लेजर्स। एक्चुअली यहाँ से नहीं दिख रहा पर वहाँ पे पास जाके दिखेगा, बहुत सारे लेजर्स हैं। फ्रेंड्स जो ये लाइट्स है ना, ये ऊपर पेड़ के ये बहुत ही लंबे लंबे पेड़ थे और ये लाइट्स जो है ना ऊपर तक गई हुई थी और ऐसा लग रहा था पूरा जाला एक लाइट्स का ऊपर तक बना हुआ है जो कि इसको एक बहुत ही मिस्टिक सा लुक दे रहा था। और यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं धुआं धुआं भी है तो बहुत ही मतलब एक अलग ही लग रहा था कि पता नहीं कहाँ हम लोग पहुँच गए। जैसे कि हर लाइट्स अलग थे ना, ये भी एक अलग ही एक्सपीरियंस था इसके अंदर पूरा वॉक करना। एक बहुत ही बड़ा वे था ये पूरा वॉक करने का, तो हम लोगों ने इसमें यहाँ पे वॉक किया था, बहुत अच्छा था। आई थिंक दिस इज द सोर्स, यहाँ से लेजर्स आ रहे हैं पूरे जो पूरे ऊपर ट्रीज में हर जगह जुगनों की तरह फैला हुआ है ऊपर पूरा, उसका आने का सोर्स यहाँ पे है। फ्रेंड्स ऑलमोस्ट 10:30 बज गए थे पर ऐसा लग ही नहीं रहा था इस गार्डन में कि 10:30 हो गए हैं, इतने ज़्यादा लोग भी थे यहाँ पर और ये जो लाइट्स लगी हुई थी तो लग रहा था मतलब पता नहीं चल रहा था कि हम लोग इतनी रात को मेलबर्न में हम लोग कहीं वॉक वगैरह पे नहीं जाते, थोड़ा सा मतलब हम लोग अनसेफ समझते हैं और वैसे भी नहीं जाना चाहिए बाहर की कंट्री में, मतलब इंडिया में भी नहीं घूमते हैं वैसे तो, मेलबर्न में भी नहीं घूमते थे, बट यहाँ पे आपको ऐसा नहीं लग रहा था कि रात को आप इतनी रात को कहीं घूम रहे हो और इतनी भीड़ भी थी यहाँ पे लोगों की। Wow, it's really looking nice actually. ऊपर जो देख रहे हैं ना ऊपर तक चीज में मतलब लेजर ही लेजर से मस्त लग रहा है, मिस्टीरियस सा लग रहा है। धुआं धुआं हो रहा है, ओह नो, धुआं धुआं मिस्टिक सा लग रहा है। फ्रेंड्स अब तक हम लोगों ने इतना ज़्यादा वॉक कर लिया था पर मतलब पैर थक गए थे पर मन नहीं थका था, देखने के लिए लग रहा था कि और आता रहे तो हम लोग वॉक करे जा रहे थे, हालांकि पैर दुख गए थे बिल्कुल, हम लोगों ने रुका नहीं था बीच में क्योंकि लेट भी हो गया था काफ़ी लोग तो हालांकि रुके हुए थे और ये और टाइम तक भी था लेट नाइट, पर हम लोगों को लग रहा था कि हम जल्दी से करें फिर क्योंकि हमें वॉक करके घर भी जाना था हमारा, हालांकि पास में ही घर है बट फिर भी थोड़ा सा तो वॉक करना था। और यहाँ पे फ्रेंड्स नीचे पानी भी काफ़ी सारा बह रहा था इस वाले जो वॉक में हम लोग गए थे, जहाँ पे पानी मतलब पेड़ों पे तो था ही पर यहाँ पे नीचे पानी भी था तो और भी अच्छा लग रहा था, पानी की आवाज़ भी आ रही थी जैसे झरना चल रहा हो। हाँ जी भाइयों और बहनों, सो ये है लास्ट जो ट्री का इंस्टॉलेशन हो रखा है, ये लास्ट है कलरफुल, सारे ब्रांचेस पे जो है एक एक ब्रांच पे उन लोगों ने लाइट लगा रखी है और वो भी डिफरेंट कलर की, तो ये बहुत ही सुंदर था। और इसी के साथ ये आज का मैं ब्लॉग ख़त्म करती हूँ, आपको लोगों को कैसा लगा मुझे बताना ज़रूर, हम लोगों को तो ये बहुत ही अच्छा लगा था, वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस था हमारी लाइफ का। अगर आप लोग को ये आपको भी उतना ही अच्छा लगा तो इसे थम्स अप देना और कमेंट सेक्शन में बताना कैसा लगा। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, टेक केयर।